नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग का इंट्रोडक्शन किया। अभी इसको आगे ले चलते हैं कि आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में 40 प्रोफेशनल बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया है और उनमें से 2 ने गोल्ड जीता है, 2 ने सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। प्रोफेशनल बॉक्सर अल्बर्ट बातिरगाजियेव जो रशिया के हैं, वो ही वन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर। और उसका फाइनल्स में ड्यूक रहान जो यूएसए का था, वो भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। इसके अलावा बखादुर जललो जो हमारा सतीश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स में जो खेला था, उज़्बेकिस्तान का बॉक्सर है, वो फाइनल्स में गोल्ड मेडल जीता है, वो भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। तो प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी आजकल ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। रियो में भी हिस्सा लिया और यहाँ पे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया। जब एक बॉक्सर प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहता है, वो एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करता है जहाँ पे बॉक्सिंग रिंग का फैसिलिटी है, ट्रेनर फैसिलिटी है, सब कुछ है, और वो प्रैक्टिस करता है और तैयार करता है प्रोफेशनल बॉक्सर बनने के लिए। और वो क्लब जिसके पास बॉक्सर्स इस प्रकार से हैं, वो इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन ले सकता है। और जब वो समझते हैं कि उनका बॉक्सर 4 राउंड खेलने के तैयार हैं, लायक हैं, तब उस बॉक्सर के लिए लाइसेंस इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल से वो मांगते हैं और इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल उनको लाइसेंस करते हैं। जो बॉक्सिंग क्लब एफिलिएशन लिया इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के साथ और उनके पास काफ़ी प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं जो तैयार हैं 4 राउंड से ऊपर खेलने के लिए, तो वो खुद अपने बॉक्सरों के बीच में फाइट के लिए सैंक्शन इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल से मांग सकता है, या उन्हीं के बॉक्सरों को नज़दीक कोई प्रमोटर को मिलकर उनके फाइट्स में लगवाने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्लब्स जो IBC के साथ जुड़ेंगे, वो खुद प्रमोटर के तौर पर फाइट्स भी कर सकते हैं। इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल सभी तमाम जो एफिलिएटेड क्लब्स को, अपना प्रमोटर्स को हिदायत, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस देते रहेंगे हमेशा। यानी कि बॉक्सर्स का सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। रूल्स रेगुलेशंस जो भी बना है बॉक्सर्स का सेफ्टी के लिए रखा है। तो उनका ब्लड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होंगे, तो इस प्रकार से सब चीज़ देखते हुए लाइसेंसिंग किया जाता है। अमूमन जब एक बॉक्सर सबसे पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि 4 राउंड फाइट में उसका पहला बाउट, जिसको डेब्यू बॉक्सिंग बोलते हैं, तब वो 4 राउंड से ही शुरू होता है। तो लेकिन अगर कोई अमेचर में अच्छा रिकॉर्ड हो, नेशनल मेडलिस्ट हो, नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कोई मेडल जीता हो, तो हो सकता है कि इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल उसको 6 राउंड का फाइट भी सैंक्शन कर सकता है। जब एक बॉक्सर एक फाइट हारता है या जीतता है, तो उसका रिजल्ट इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल इवैल्यूएट करता है, रिकॉर्ड करता है, और ये सब करके बॉक्सरेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स UK में है, तो उनको भेजते हैं। बॉक्सरेक एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड कीपर है सभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग बाउट्स को। तो एक माइक टाइसन का बाउट का रिकॉर्ड भी होगा, मोहम्मद अली का जो फाइट्स हुए उनका भी रिकॉर्ड है, इंडिया में जो होगा प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट्स उनका भी रिकॉर्ड होगा। तो जो भी दुनिया के प्रमोटर्स जहाँ से वो चाहते हैं कि कोई बॉक्सर देखें, इंडिया में से हम कुछ बॉक्सर चुनेंगे हमारे फाइट्स के लिए, तब बॉक्सर में जाके ढूंढते हैं, उनको मिल जाता है। तो आपका हर एक का रिजल्ट, आपका जन्म कुंडली वहाँ पे होता है। आप सबके लिए एक एक पेज भी होता है, आप अपना खुद का रिकॉर्ड देख सकते हैं, आपका फ़ोटो हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बॉक्सर का मामला। इंडिया में WBC इंडिया बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स का रैंकिंग लिस्ट हर महीने हम निकालते हैं, जिसके अंदर हर वेट कैटेगरी में 10 बॉक्सरों का नाम आता है। तो जो टॉप हाफ में है उस लिस्ट का, वो टाइटल के लिए फाइट करने का हकदार है। लेकिन अगर एक बॉक्सर को टाइटल मिल गया और चैम्पियन बन गया, तो रेगुलर इंटरवल्स में उस टाइटल को उसको डिफेंड करना पड़ता है। चैलेंजर्स होते हैं जिनको इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल आइडेंटिफाई करते हैं और बोलते हैं कि इनके साथ खेलना है, और इसी मुताबिक सालाना एक दफ़ा मैंडेटरी चैलेंजर होता है। और ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में रूल्स रेगुलेशंस हम आगे आने वाला एपिसोड्स में बताते रहेंगे।